इंडिया का सबसे ओनली वन एंड ओनली लग्जरियस मॉल है इंडिया का, पूरे इंडिया का पूरे मॉल में जा रहे हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े जो ब्रांड है गुची एलवी, जो मतलब चेरी को मैं बोलते रहता हूँ, पुणे में ढूंढते पुणे में मिलते नहीं आ रहे, है ही नहीं, है ही नहीं जो यहाँ। और बंदरों से सावधान, सच में उससे ज्यादा सावधान इंसानों से, इंसान लोग ज्यादा धोखा देते हैं। इसका लास्ट डे इन वृंदावन, तो अभी हम निकलने वाले दिल्ली, हमारी फ्लाइट है कुछ 8:30 बजे की, 9:30 बजे की। तो वृंदावन भाई क्या ही बताऊँ मैं, यहाँ के एक एक सांस सांस में श्री कृष्ण जी बसे हुए। मैं एक्चुअली मैं श्री कृष्ण देखो, मैं बोला भी इतना इमोशनल हो गया, मुझे बोला भी नहीं जा रहा। कुल देवी के यहाँ जाने वाले गुरगांव में, तो वहाँ से फिर आपको मैं बताता हूँ। हम एंड में ट्राई करने वाले वो जो टू झूठी में मक्कर में का एंड का एयरपोर्ट से ना दिल्ली एयरपोर्ट का, वो ट्राई करते हैं, देखते मैं आपको करता हूँ मैं वैसा, अगर हम मिमिक कर पाए। मेरी बहुत इच्छा थी यार, वो एंडिंग मुझे बहुत सही लगी, टिन्नी को ढूंढते हैं हम गुड़गांव दिल्ली एयरपोर्ट पे, हमारी टिन्नी को ढूंढते, वैसे तो कोई है नहीं टिन्नी, बट एनी वैसे चलते फिलहाल जल्दी से, और मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई, आपको दिखाता हूँ। चुके और हमारी कार भी आ गई ऊपर, शायद लगेज टाई कर देंगे फिर निकलते हैं। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं गुड़गांव, उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट। वृंदावन यात्रा पूरी हुई, अभी दिल्ली यात्रा करते हैं। कैसा लगा नानी जी आपको वृंदावन में? बस थोड़ा सा हाइजीन क्लीनिंग का प्रॉब्लम, बट ठीक है, सबकी सबकी तबीयत खराब है, सबकी मिलिए काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हो डार्क सर्कल्स बहुत डेंजर वाले हो गए, मैं दिन में 2-2 बार नहा रहा हूँ फिर भी टैन हो रहा है, क्योंकि धूप और ह्यूमिडिटी ही खतरनाक है बहुत। पापा भी अभी पापा को थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम, बट ठीक है, आई एम फाइन, गुड बेटर बेस्ट। इसको बहुत हो गई, इसका तो बेचारे का चश्मा भी गया, बंदर लोग बंदर लोगों ने चश्मा ले गया, और तूने नया बनाया, नया कहाँ से बनाया? गोपी ऑप्टिकल से। गोपी ऑप्टिकल से अगर आपका भी चश्मा जाता है तो गोपी ऑप्टिकल सर्च करो और वहाँ चश्मा बनाने चले जाओ। और बंदरों से सावधान, सच में उससे ज्यादा सावधान इंसानों से, इंसान लोग ज्यादा धोखा देते हैं। हालत खराब हो रही है, जल्द से जल्द एसी लगाओ बोलना, और ये लोग बैटरी इसलिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए दैट्स व्हाई। अभी फिलहाल निकलते, 3 घंटे लगे हमको दिल्ली पहुंचने, बीच में ब्रेकफास्ट करते। बाबा ब्रेकफास्ट है ना वो यमुना एक्सप्रेस की कोई जो फूड कोर्ट है ना वहाँ करते हैं, बेस्ट मैगडी वगैरह कुछ ऐसा रहा ना भाव। के बिहारी लाल की राधा, राधे 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 रानी की, कुंज बिहारी लाल की जय। आ गए और यहाँ पे भाई कस्टमाइज थार मिली हमको, मॉडिफाई की है ना भाई, पूरा देख सकते हो अंदर से पूरा व्हाइट इंटीरियर, ये एक्चुअली मिलता नहीं है हमें, ये सब करा के लिया उन्होंने, बहुत क्लास लग रही है। मॉडिफाई किया खुद ने उसने। आलू पराठा खाते हैं अभी, आलू पराठा खाते दिन निकलते, पहले वॉशरूम चलते यार, बहुत देर से मेरे को सुसु आई है। उधर का भी ब्लॉग दिखा दे कैसा लग रहा, अब कितना लग्जरियस लग रहा है एकदम। पंजाबी ढाबा चूज किया है, बहुत जोर से आलू पराठा खाने का मन कर रहा है मुझे, यहाँ आया हूँ तो मेरी तबीयत ही खराब है, तो मोस्टली मैं कुछ ऐसा बाहर का खा नहीं रहा हूँ, तो आज मैं मुझे ठीक लग रहा है, तो पराठा वगैरह है यहाँ क्यों सब है ना खाते। तू क्या खा रहा है भाई, तू क्या खा रहा, देखते हैं मेन्यू कार्ड में जो मिलता है, पूरा मेन्यू कार्ड खा ले तू। चंडीगढ़ की यादें ताज़ा करते, पनीर पकौड़े इज हियर, अभी पनीर पकौड़े खाते हम, कितने साल बाद खा रहे, 5-6 साल बाद खा रहे, मतलब चंडीगढ़ से आके तो 10-12 साल हो गए, घर पे खाते, बट बाहर के जो है ना ये टेस्ट कैसा लग रहा चेरी है, वो टेस्ट जयपुर के भी सही थे, जयपुर के हाँ। मैं अभी मैं आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन बता दे पनीर पकौड़े के, एक नंबर दिल्ली नॉर्थ साइड है, आलू पराठा नहीं खाया तो क्या ही खाया आपने, तो आलू पराठा आ चुका है मेरा नान के जैसा, तो उसमें बटर लगाना इंपॉर्टेंट है भाई, मैंडेटरी है, बटर से मैं दूर भाग रहा था दो दिन पहले तक, बट अभी तो मैं भाई दबा के बटर लगाने वाला हूँ। चेरी तू ही लगा एकदम एस्थेटिक, एक पे लगा फिलहाल। कल कर कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो हो चुके हैं, बाकी सब सो रहे हैं, ये भी सो गया गाड़ी में, सब सो गए, और मैंने जो बुक किए थे टिकट फ्लाइट के 11 टिकट बुक किए थे एक्चुअली, तो उसमें से आधे लोगों का चेक इन हो चुका है ऑटोमेटिक, बट मेरा चेरी का और बाकी 3-4 लोग इसका भी हो गया, इसकी तो अलग ही फ्लाइट है, इसका तो अलग ही स्ट्रगल है, आपको मैं बताऊँ आगे चलकर। तो हम आधे लोगों का चेक इन ही नहीं हो रहा था, बाकी सबके बोर्डिंग पास आ गए, सब हो गया। फिर मैंने आकाश वालों को कॉल लगाया, तो उन्होंने बोला तुमने अगोड़ा से किया है इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, बाकी गो आई बी वो बाकी कौन सा इज माई ट्रिप वो सबसे किया ना, उनके चेक इन ऑटोमेटिक करके दे रहे, बोलो अगोड़ा वाले को, अगोड़ा वाले बोल रहे तुम खुद चेक इन करो आकाशा एयरलाइंस के लिए, तो कर लिया मैंने ऑटो असाइन,
तो अभी देखते हैं कैसे मिलती है, मिलते हैं 6 घंटे पहले आ जाएंगे हमें फ्लाइट की टिकट। एक काम हो गया, मेजर काम, अभी दिल्ली पहुंचे हैं, अभी 1 घंटा लगे हैं कुछ हमें, तो फटाक से पहुंचते हैं, लेट्स गो। कुल देवी जी के यहाँ पहुंच गए, उनके दर्शन ले लेते हैं फटाक से, देन चलते हैं सरोज जी माँ पे लेकर आ गए, आप देख सकते हो पीछे। 3 अगस्त है तो पूरे दिल्ली में पूरी वाइब है इंडिपेंडेंस डे, आप देख सकते हो मंदिर में भी आ गए ये लोग तो, और ये हमने दर्शन कर लिए, अभी चलते हैं। हमारी पूजा भी हो गई कुल देवी जी की, आप देख सकते हो जैसे कि पहुंच चुके हैं, ये दिल्ली के वीवीआईपी एरिया में है, क्योंकि आपको पता है चेरी वीवीआईपी एरिया से बाहर निकलती ही नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली सब स्टेट के भवन देखे हम लोगों ने लाइन से। फिलहाल हमारा प्लान चल रहा है सरोजिनी जाने का, सरोजिनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, डिस्को जाना पड़ता अपने को, जाना पड़ेगा अभी कपड़े लेके, नानी जी भी नहीं कपड़े लिए, नानी जी जाना शनेले। शनेले दिला रहे देखो, कौन सा ये स्टीव मेडल, नहीं अभी हम इसको लेंगे तो गुची का ही लेंगे, हमने नानी जी को बोले नानी जी गुची का दिलाओ, नानी जी को पर्स की प्राइस बताई, सिर्फ 5 लाख की छोटी हैंड पर्स आती है, दिला ना नानी जी, नानी जी बोलेंगे मेरे को बेच के सब बेच के दिला देते, तो देखते हम आपको बता देते। लुई विटोन का भी शोरूम है, वो भी जाते। अबे अरमानी एक्सचेंज, अबे अरमानी सारा का स्टोर देखो, उसका एंट्रेंस क्या है भाई, आज तक का बेस्ट मॉल, बेस्ट मॉल आज तक, मेरा स्टारबक्स, लेट्स गो टू स्टारबक्स, चल ना एक जाओ फ्रेफे, आप बैठ जाओ हम घूमने वाले भी आज दबा के चले गए, अभी इनको क्या लेना है पता नहीं, देखते भी सारा का वो जैकेट, व्हाइट जैकेट अच्छा लग रहा है ये, पता नहीं कुछ ना कुछ तो लेने वाली, और मैं पागल हो रहा हूँ, वो पापा जुड़ियो मेरा जुड़ियो, वाह इतने भाई लुई विटोन गुची में आके आप बोल रहे जुड़ियो, क्या यार 11,000 का जैकेट ले रही सारा का, अच्छा है 11,000 ले रहे ना, 11,000 का किराना भर जाएगा एक महीने का, वो मैं तेरे को क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो पिंक जैकेट है, मैं पहन नहीं सकता, ब्लैक वाला ले दोनों पहन सकेंगे, LV में देखते हैं लुई विटोन में। दिल्ली का पहली बार कॉफ़ी पी थी तब मुझे अच्छा लगा था, कनॉट प्लेस वाली, तो अभी यहाँ पे उनका आउटलेट ही खुला है, तो चॉकलेट शेक ले रहा हूँ नरूला का, देखते कैसा लगता है, तो अभी पूरा चॉकलेट शेक बना रहे वो, शेक ले रहे, अभी इसका टेस्ट कैसे बदल, बट यहाँ का PVR आप देख सकते हो, PVR आइकॉन कितना बड़ा है यार, नेक्स्ट लेवल है यहाँ का, मतलब ऐसा मैंने अभी तक मुंबई पुणे कहीं पे भी नहीं देखा, पर ये लोग मेरा वेट कर रहे कब आ रहा, ये ले लो टी, ये नरूलास पिलाते बैठे, मैं इसको बोल रहा जब से चल टीम हॉर्डन चलते, ये लोग उठ ही नहीं रहे, बाहर लुई विटोन में भी तो जाना है, चेरी मुझे एक वहाँ का लुई विटोन का टी शर्ट दिलाने वाले भाई, लेकिन ये मॉल की वाइब क्या है यहाँ पे चेरी मॉल में, तेरे को पता होगा अपने पुणे वाले मॉल में हर तरह के लोग आते हैं, यहाँ के मॉल में सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं, जो अपर हायर क्लास वाले लोग हैं ना वो लोग मॉल में आते हैं, यहाँ के अलग ही है वाइब, पूरे मॉल में जा रहे हैं, यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े जो ब्रांड है गुची LV, जो मतलब चेरी को मैं बोलते रहता हूँ पुणे में ढूंढते, पुणे में मिलते नहीं आ रहे, है ही नहीं, है ही नहीं जो यहाँ पे, और यहाँ का पूरा आप देख सकते हो, बारिश हो रही है फिर भी वाटरफॉल चालू है, हम भीग रहे हैं हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सेंस इस बात का सेंस है ना भाई, बारिश में तो वाटरफॉल होता भाई। तो अंदर चलते हैं DLF एम्पोरिया में, चेरी को गुची का बैग वगैरह दिया था, और यहाँ पे काफी अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है, ऐसे ऐसे ब्रांड है जिसका हमको नाम पढ़ना भी नहीं आता, क्रिश्चियन लैबोटिन है ये पता है मुझे, गुची है, और कार्टियर है उधर, और सनग्लासेस आइकन है, और LV का आगे, LV बंद है बिकॉज ऑफ, और ये मॉल देखो भाई साहब, मैं पागल हो रहा हूँ, बस मुझे बस यहाँ दिल्ली आके बसना है, ये दिलाना प्लीज, सिर्फ 11 से 12 लाख रुपए का बैग है वो, ये जो बैग देख रहे हो आप 11 से 12 लाख, ये ऊपर का भी 8 लाख, ये सब मुझे पता है क्योंकि मैं बहुत इसको फॉलो करते रहता हूँ हर एक चीज़ को, खाने का कितने कोई देख लेते हैं, खाने का रिया कुछ वो कार्टियर के जो है ये पेन वॉचेस वगैरह बहुत खतरनाक रहते यार, मैं रोने वालों, लुई विटोन है मेरे सामने भाई साहब, एक दिन नहीं जल्दी, एक दो दो तीन दो चार महीने के बाद ही आप कुछ देखोगे सरप्राइज, ये बैग्स वगैरह में मेरे को शौक नहीं है, बस लुई विटोन के कपड़े चाहिए मुझे। मैडम को लिफ्ट से जाना है ऊपर, अल्ट्रा प्रो अमीर, साउथ दिल्ली, साउथ पुणे, साउथ बॉम्बे वाली लड़की, यहाँ पे सब इतने अल्ट्रा प्रो सब अमीर लोग हैं, ये रिच क्लास है सब, जो लुई विटोन में ऐसी जाके कुछ भी खरीद के आ रहे हैं नॉर्मली 4-5 लाख की चीज़, उनके बीच ही ऐसे घूम रही है जैसे कि रामेश्वर पूछ रहे ये क्या है, तो चेरी उसको
कर रही दे रहे बापू थोड़ा तो दे रहे बोल रही है भीख मांगने के नए तरीके। चलिए यहाँ से आ गई लिफ्ट, आ जाए इधर आ गई। ओ मैडम चलो वाले जहाँ हमको ये विंग से वो विंग में जाने के लिए, हाँ ये विंग से वो विंग में जाने के लिए, मैं विंग बोल रहा भाई कुछ भी हो, ये बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाने के लिए अम्ब्रेला दिया है, अम्ब्रेला दी जा रही है। वाओ ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे अम्ब्रेला ही पहली बार, लाइफ में पहली बार अम्ब्रेला देखी है हमने भाई, क्योंकि इंडिया का सबसे ओनली वन एंड ओनली लग्जरियस मॉल है इंडिया का, पूरे इंडिया का फाइनेस्ट फर्स्ट पहला वो एक नहीं है, हाँ पहला थोड़ा, इसलिए हमको छतरी के साथ एक आदमी भी देते हैं पकड़ने के लिए, पुणे में मिलता। 3 बजे के बाद दिल्ली पूरा खुल गया है तो हम सोचा लोटस टेम्पल वगैरह करते, बट लाइन 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है तो ये भी हमको स्किप करना पड़ेगा। आप जैसे कि देख सकते हो पीछे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है बिकॉज अभी से खुला है दिल्ली। दिल्ली में सब कुछ बंद है और हमारे फ्लाइट को और 8 घंटे बाकी, मतलब 3 घंटे तो चेक इन वगैरह में सब चीज़ों में लग जाएंगे और फिर भी हमारे 3-4 घंटे बचते, फिर सिर्फ इस्कॉन खुला है तो अभी हम सोच रहे इस्कॉन ही आ गए। किशन जी बोल रहे हैं जहाँ भी जाओगे मुझे ही पाओगे, मतलब दिल्ली में कितना कुछ है करने बट नहीं कर पा रहे हम, मॉल घूम लिया सब घूम लिया बस इस्कॉन, अभी वापस हम इस्कॉन आ गए, दिल्ली का सबसे बड़ा इस्कॉन मेरे लिए है ना तो मुझे ही कंप्लीट करो। वाले शॉर्ट्स हो चुके हैं, इसकी फ्लाइट थी टर्मिनल 3 से हमारी 2 से, वो एक तो प्रॉब्लम हुई थी, अभी जो दूसरी प्रॉब्लम आई है इसकी फ्लाइट 2 घंटे से डिले हो गई, मतलब रात के 11 बजे, ये हमारे से पहले जाने वाला था 9 बजे बट अभी 11 बजे जाने वाले, हम पहुंचेंगे तब ये निकलेगा और इसका पहली बार है और बहुत मजा आने वाले बेटू, बहुत नेक्स्ट लेवल मजा आने, अभी इसको ड्रॉप करते हैं T2 में, टर्मिनल 3 में हमको फिर वो ड्रॉप कर देंगे। चलो अरे उधर पार्किंग में नहीं जाने का अपने, मेरे को कैसा लग रहा मार दे क्या कैसा, मैं रो या हंसू करू मैं क्या करू। T3 आ चुका है अभी उसकी, हाँ फ्लैट बोल रहा हूँ फ्लाइट उसकी कहीं पे भी हो, क्या बढ़िया सा सनसेट हो कर रहे हम भाई, संभाल के जा, कुछ प्रॉब्लम आई ना कॉल कर, यहाँ से किधर से भी घुस जा कोई टेंशन नहीं, राधे 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 राधे, 2 या 3 कहीं से भी टेंशन मत ले, उसको टेंशन की वजह से उसको लूज मोशंस लग गए भाई, अंदर वॉशरूम है संभाल के हमको अपने को तू झूठे में मक्कर का सीन करने का था इधर मम्मी तेरे को कानफड़ी मारने वाली थी याद है क्या, संभाल के जा चल फोन कर